हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल अप्लाइड साइंस सॉल्यूशन पे। आज हम आप सभी को UPSSC पेट की डिटेल्स के बारे में बताएंगे। इस वीडियो की PDF आपको हमारे जो कोर्स चल रहा है UPSSC पेट का, उसमें जाकर के आप ज्वाइन करेंगे तो वहाँ से आपको अवेलेबल मिल जाएगा और वहाँ से हमें आप चैट भी कर सकते हैं। चलिए हम वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि मेन मतलब है यहाँ पर बताने का, माइंड मैप ऑफ UPSSC सिलेबस। UPSSC सिलेबस को माइंड मैप को बताना है ताकि आपको सारी चीज़ें बड़े आसानी से समझ में आ जाए। सबसे पहले हम आपको बताते हैं चार वैसे पॉइंट जो आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है, जैसे कि 120 मिनट हैं UPSSC एग्ज़ाम के लिए इंक्लूडिंग अटेंडेंस, मतलब 120 मिनट में आपको पूरा पेपर हो जाएगा, उसी में आपको बार बार डिस्टर्ब किया जाएगा अटेंडेंस के लिए, साइन के लिए, तमाम चीज़ों के लिए, ठीक है। क्वेश्चन आपके होंगे 100 और मार्क्स होगा टोटल 100, ओके। 1/4 नेगेटिव मार्किंग है। उसके बाद ये पेपर आपका ऑनलाइन नहीं होगा, ऑफलाइन होगा, ओके। तो ऑफलाइन पेपर होने पर क्या होता है, आपको बार बार पेपर पलटने से और अटेंडेंस लगाने से जो लिखे समय होता है लगभग हम 20 मिनट का समय अगर काट देंगे तो आपके पास टोटल सिर्फ 100 क्वेश्चन है और 100 मिनट है, ये मान के चलिए आप। तो एक क्वेश्चन को एक मिनट में करना रहेगा, मतलब नॉर्मल आपकी स्पीड अगर रहेगी तो आप पूरा कर लेंगे। अब आपको बताते हैं कि टोटल 100 मार्क्स के पेपर में किस सेक्शन से कितना क्वेश्चन पूछे जाएंगे। जैसे इस मैप में हमने आपको दिखाया है 50 क्वेश्चन साइंस से रिलेटेड रहेगा, जैसे समाज विज्ञान, सामान्य विज्ञान और संबंध जागरूकता या करंट अफेयर ले लीजिए, ठीक। ये होता है एक ऐसा जो साइंस से रिलेटेड जुड़ा हुआ है, ओके। बीच में होता है मैथमेटिक्स से जुड़ा हुआ 30 नंबर का है, जैसे मैथ और रीजनिंग एक तरीके का न्यूमेरिकल है और दिमाग लगाने वाले होते हैं, ये आपका समरूपता में 30 नंबर का हो गया। नेक्स्ट है आपका भाषा में, भाषा दो विज्ञान आएगा, एक इंग्लिश और हिंदी दोनों मिला करके 20 नंबर का है। तो आपको दिमाग ऐसे सेट रखना है कि जो मैक्सिमम मेजर क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो विज्ञान से पूछे जाएंगे, ठीक। अब आपको बताते हैं 50 नंबर में क्या है, दो भागों में बांट देते हैं, 25 नंबर और 25 नंबर, ठीक है। एक तरफ सामान्य विज्ञान, एक तरफ सामाजिक विज्ञान, ठीक है। जैसे आप हाई स्कूल में पढ़े होंगे तो सामाजिक विज्ञान, इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र, अर्थशास्त्र या राष्ट्रीय आंदोलन, ठीक, इस तरह की किताब पढ़ते होंगे आप, वो आपका 25 नंबर के आसपास का उसी से जुड़ा हुआ है, ओके। सेकेंड 25 नंबर क्या है, सामान्य विज्ञान है, सामान्य जागरूकता जिसे GK बोलते हैं, नॉर्मली जनरल अवेयरनेस होता है, उसमें GK मिक्सअप होता है। उसके बाद करंट अफेयर आपका 10 नंबर का, 10 नंबर का करंट अफेयर, 10 नंबर का GK और 5 नंबर का सामान्य विज्ञान। 25 नंबर ये हो गया आपका, 25 नंबर आपका सामाजिक विज्ञान हो गया, ओके। ये चीज़ें आपको लगभग याद रहेगी, हालांकि PDF रहती है तो उसमें आपको पढ़ने में समय लगता है, समझने में, याद करने में समय लगता है, लेकिन ये आपको बिल्कुल सटीक याद रहेगा जो मैं आपको बताने की कोशिश की थी। 50 नंबर हो गया। 30 नंबर जो है आपका, उससे 15-15 नंबर में डिवाइड कर रखा है। पहला क्या है, 15 मार्क्स जो है वो आपका रीजनिंग 5 नंबर और ग्राफ 10 नंबर का, ग्राफ से जो जो जुड़े क्वेश्चन आएंगे वो 10 नंबर के होंगे और तर्क शक्ति जो रीजनिंग होता है उससे 5 नंबर का, 15 नंबर हो गया। अब आते हैं गणित तरफ में, गणित में क्या, तालिका गणित में 10 नंबर और सामान्य गणित 5 नंबर, ये हो गया 15 नंबर का, ठीक। ये हो गया आपका 15-15 30 नंबर, टोटल आप 80 नंबर का समझ गए। नेक्स्ट है आपको, सबसे पहले आपको मैं बता दूँ, इस वीडियो का आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए ताकि आपको आसानी रहेगी याद करने में, बिल्कुल इसे आप स्क्रीन शॉट ले लीजिए, आप कंठस्थ रहेगा कि कौन सी चीज़ क्या है, ठीक। अब चलते हैं हम भाषा पे, भाषा में हिंदी और इंग्लिश। हिंदी आपका 15 नंबर का है और अंग्रेजी आपका 5 नंबर का है, दोनों में ग्रामर पूछा जाएगा 5 नंबर 5 नंबर का। बस हिंदी में क्या है, गद्यांश पर आधारित जो क्वेश्चन आंसर होंगे 10 नंबर के वो बढ़ जाएंगे, ठीक। तो इस तरीके से टोटल हो गया आपका यहाँ पे 15 5 15 5 20, ठीक। तो हो सकता है आपको पूरा समझ आ गया होगा, काफ़ी तरीके से बताया होगा। लोग जनवरी से ही तैयारी कर रहे हैं जिसको पेट का पेपर देना है, नोटिफिकेशन फॉर्म आया था, लोग फॉर्म भर दिए होंगे, तब से भी तैयारी कर रहे होंगे, लेकिन मुझे समझ आया कि हाँ इस चीज़ को किस तरीके से बताना चाहिए ताकि लोगों को आसानी हो याद करने में कि UPSSC में किस तरीके से चीज़ आएंगे, मैक्सिमम क्वेश्चन किस सेक्शन से जा रहे हैं। तो आपको विज्ञान से जुड़े सेक्शन में ज़्यादा जा रहे हैं, सेकेंड नंबर पे गणित आ रहा है और थर्ड नंबर पे आपका भाषा से रिलेटेड है 50 30 और 20, ठीक। तो भी वीडियो का आप अच्छा लगा होगा आपको, तो अगर चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें, ओके। और दूसरी चीज़ है, आपको कोई चीज़ पूछनी है तो हमारे ऐप इंस्टॉल कर लीजिए, वहाँ पर आपको काफ़ी फ्री कंटेंट और पेड कंटेंट मिलते हैं, वहाँ से भी आप पढ़ सकते हैं चीज़ों के लिए करके, ओके। बाकी अगर आपको ज्वाइन करना है UPSSC पेड तो आप ज्वाइन कर सकते हैं, पहले कहीं ज्वाइन किए हैं तो आपको ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है आपके, क्योंकि जो खाली हो समय कई जगह बर्बाद नहीं करनी चाहिए, ठीक, ओके। तो आगे बढ़ते हैं आपको, तो यहीं पे है, कोई और चीज़ पूछना होगा तो एप्लीकेशन इंस्टॉल के चैट सेक्शन से पूछ सकते हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए। जय हिंद, जय भारत। द फर्स्ट स्टेप टुवर्ड्स अचीविंग योर ड्रीम्स इज हैविंग द राइट कोच। गेट द बेस्ट एजुकेशन विद अप्लाइड साइंसेस सॉल्यूशंस एंड मेक यू
ट्रेनिंग एंड जॉब्स ड्रीम्स कम ट्रू। डाउनलोड द ऐप नाउ।